नमस्कार दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एमी ब्रोकर ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए फीचर हैं जो मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हाउ टू ओपन डिफ़ॉल्ट चार्ट। डिफ़ॉल्ट चार्ट क्या होती है, आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, मेरा ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं आपको ये बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ टू ओपन ब्लैंक चार्ट एंड ब्लैंक पेन। थर्ड पॉइंट है दोस्तों कि हाउ टू ओपन वेब ब्राउज़र इन एमी ब्रोकर। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि हाउ टू सेव चार्ट इन इमेज फाइल। तो दोस्तों आज मेरा ये चार पॉइंट है जो बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये फीचर दोस्तों अगर ना मालूम होने के कारण आप जो है बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे कि ये इमेज ही अगर ये चार्ट आप सेव करना चाह रहे हैं, मतलब आप किसी को भेजना चाह रहे हैं, तो आपको दूसरे चीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा, जबकि ये एमी ब्रोकर के इनबिल्ट फीचर है जो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम ये समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट चार्ट होती क्या है। डिफ़ॉल्ट चार्ट दोस्तों एक सिंपल चार्ट है, जैसे कि ये सामने आपको दिख रहा है, ये जो चार्ट ओपन है एक तरह से ये डिफ़ॉल्ट चार्ट ओपन है। हमको एज इट इज़ दूसरा जगह ये चार्ट ओपन करना है, तो इसके लिए हमको जो है ब्लैंक चार्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जी जो है ये सिंबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको जो है वो सब सेटिंग करनी पड़ेगी तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट फीचर दिया गया है कि आप एज इट इज़ सेम चार्ट जो है ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों पहले आपको तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है प्लस साइन का, प्लस साइन पे क्लिक करके आप यहाँ पे न्यू डिफ़ॉल्ट चार्ट ओपन कर सकते हैं। न्यू डिफ़ॉल्ट चार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जैसा ये आपका सिंबल था सेम टू सेम सब कुछ वही यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो है आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये दोनों जगह फैसिलिटी दिया है, दोनों काम एक ही है। ठीक है, मैंने दो बार ओपन किया, दो जगह से ओपन किया, लेकिन एक ही चार्ट जो है ओपन हुआ, तो मेरा तीन जगह ओपन हो गया, तो मैं दो जगह कट कर देता हूँ, एक ही जगह रहने। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू ओपन ब्लैंक चार्ट एंड ब्लैंक पेन। तो ब्लैंक चार्ट होती क्या है दोस्तों, ब्लैंक चार्ट मतलब बिल्कुल एम्प्टी, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ब्लैंक चार्ट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा, आप ब्लैंक चार्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका बिल्कुल एम्प्टी एक ब्लैंक चार्ट आ गया। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको यहाँ से आपका प्राइस डालना पड़ेगा। प्राइस रहेगा तभी जाके इंडिकेटर बनेगा दोस्तों। तो यहाँ हम बेसिक चार्ट में जाएंगे, बेसिक चार्ट के बाद अंदर देखेंगे कि प्राइस का जो है फार्मूला रहता है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ देंगे, तो यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो जाता है। अब अपने हिसाब से जो भी हम स्टडी जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि थर्ड पॉइंट है मतलब हाउ टू ओपन वेब ब्राउज़र इन एमी ब्रोकर। एमी ब्रोकर के अंदर दोस्तों ये भी फीचर है कि आप इसके अंदर वेब ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। कुछ सर्च करना है गूगल डाल के जो है आप सर्च कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों पहले आपको फाइल में जाना पड़ेगा, फाइल के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेब रिसर्च का एक आइकन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र इनबिल्ट है, जो ये वो ब्राउज़र ओपन हो जाता है एमी ब्रोकर में। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपका URL डालना है, तो URL में google.com डाल देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए दोस्तों। देखिए ये गूगल का ब्राउज़र, यहाँ पे ये गूगल का URL इस ब्राउज़र में ओपन हो गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें मैंने हम लोगों ने वेब ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं एमी ब्रोकर में। तो इसको हम लोग कट कर देते हैं दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कि हाउ टू सेव चार्ट इन इमेज फाइल। इसके लिए दोस्तों पहले हमको मेन्यू में जाना पड़ेगा। ठीक है,
एडिट में जाएंगे। एडिट के बाद यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इमेज के बाद हम लोग क्लिक करेंगे अपने एक्सपोर्ट टू फाइल। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पाथ पूछ रहे हैं कि आप किस पाथ पे जो है सेव करना चाहते हैं। तो जो है मैं डी ड्राइव का एक पाथ ले लेता हूँ। डी ड्राइव में मैं एफएल के अंदर जो है मैं इसको बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के नाम से मैं ये PNG फाइल सेव कर देता हूँ। क्लिक किया, ये सेव हो गया दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हाउ टू ओपन डिफ़ॉल्ट चार्ट, अपने चार्ट को कैसे डिफ़ॉल्ट चार्ट कैसे ओपन कर सकते हैं, अपने ब्लैंक चार्ट को कैसे ओपन कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र अपने ME ब्रोकर के अंदर ही कैसे हम ओपन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट था दोस्तों कि हम जो चार्ट डिफ़ॉल्ट चार्ट जो ओपन करते हैं या फिर जो चार्ट अपना है उसको हम इमेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चार पॉइंट दोस्तों सीखा। अभी हम और भी आगे सीखने वाले हैं, तो तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में और सारे ढेर सारे फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अगला पार्ट मेरा आने वाला है, तो बाकी चीज़ें जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।